हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम डॉट आज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास एक मिक्सर है, काफ़ी पुराना मिक्सर है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम यह है, ये चला तो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है इसे आप। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ साउंड कर रहा है। ठीक है, और आपके पास भी कुछ ऐसा मिक्सर है जो साउंड करना शुरू कर दिया, तो आप उसे कैसे ठीक करें? और दोस्तों, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है कि मेरी मोबाइल होल्डर टूट चुकी है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप गौर से देखिए, ज़रूर समझ में आएगी। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल होगी, ठीक है, लेकिन आप वीडियो स्किप मत कीजिए, आप देखते रहिए, जरूर आपको समझ आएगी, बहुत जल्दी आप आसानी से इसे बना पाएंगे। तो सबसे पहले ये चारों नट को खोल लें। चारों स्क्रू खोलने के बाद आपको जो अंदर में वो चार स्क्रू दिख रही है उसे भी खोल लें। खोलने के बाद ये दोनों वायर को, ठीक है, आप हटा लें। ठीक है, उसके बाद आप इसे निकाल लें। इसे निकालने के लिए आप इसको लें और इसको ऊपर की तरफ ठके लें, ये निकल जाएगा। ठीक है, ये तीनों नट को आपको खोल लेना है। देखिए, बहुत ज़्यादा जंग लगी हुई है इसमें, काफ़ी मुश्किल होगी। ठीक है, तो आप इसे पहले तीनों को खोल लें। तो बस काफ़ी मुश्किल हुई इन तीनों नट को खोलने में, अब इसके बाद इसे हटाएं। अब आपको ये खोलना है, ये नट और इस साइड का ये नट, इन दोनों नट को खोलना है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए, इतना ज़्यादा गैप बन गया। ठीक है ना, इतना गैप नहीं रहना चाहिए। तो पहले दोनों नट को खोलते हैं, फिर बताते हैं। तो दोस्तों, मैंने दोनों नट को खोल लिया है। ठीक है, अब आप इसको बाहर की तरफ खींचना है। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है ना, देखिए कितना जंग लगा हुआ है और ये बुश बुरी तरह से घिस गया है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, पूरी तरह से जंग लगा हुआ है। और आप मार्केट से क्या करिए, दूसरा बुश लाइए और ला के यहाँ पर लगा दीजिए, और उससे पहले इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं भी आपको बदल के दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले इसको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए आप ऐसे रखें, किसी चीज़ से ऊपर से चोट करेंगे तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ये बुश बाहर से चोट करने के बाद ये अंदर से बाहर आ गया है। ठीक है, अब आपको इसे ले जाके मार्केट से दूसरा नया बुश लेके आना है और फिर से लगाना है। तो मैं आप सबको बता दूँ कैसे ये आसानी से लगेगा और इसमें कैसे फिट करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस बैरिंग को, ठीक है, इसमें आपको फिट कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे रख के ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये अंदर चल जाएगा, नहीं तो आप इसे, ये जो इसका लॉक है, इसको और आप दबा दें प्लायर से और इसे दबा दें। दबाने के बाद ये आसानी से चल जाएगा और फिर इसे लॉक कर देना है। तो देखिए, मैंने इसे फिट कर दिया और लॉक को फिर इस बूश की तरफ दबा दिया। ठीक है, जिससे ये अच्छे से लॉक हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा स्क्रेच नहीं करना है कि ये रफ़ हो जाए। ठीक है ना, हल्का हल्का इसे साफ़ कर लेना ऊपर से। ठीक है, उसके बाद कोई ऑयल या फिर ग्रीस आपको लगा लेना है, तो मैं इसे लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, बूश लगाने के बाद, ठीक है, आप दोनों नट को, ठीक है, फिर से वैसे कस दें। ठीक है, अब इसे कसने के बाद, ठीक है, इसे आप कस लें। ठीक है, ये तीनों स्क्रू को अच्छे से टाइट करके, ठीक है, अब आपको ये जो अंदर में है चार स्क्रू, उसको टाइट करना है बैठा के। ठीक है, ठीक दोस्तों, अंदर का चारों स्क्रू आप टाइट कर ले अच्छे से। उसके बाद आप जो सबसे लास्ट का, जो इसका कनेक्शन जो हम हटाए हुए थे, ये कनेक्शन आप कर लें। ठीक
और इसे भी आप कस लें। तो दोस्तों मैंने ये सारे स्क्रू भी अच्छे से टाइट कर दिया। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ कि आवाज़ में क्या परिवर्तन आया है। मैं सप्लाई दे रहा हूँ, आवाज़ क्वालिटी बहुत कम है। ठीक है, जितना रहना चाहिए उतना ही है। ठीक है, अब आपको ये लगा लेना है, कुछ नहीं करना है। जैसे ये घाट है और उसका घाट भी देख लेना और बैठा देना है इसको। ठीक है, लेकिन ये भी देखिए घिस चुका है। ठीक है, तो आप इसे भी मार्केट से नया ला के लगा लेगा अगर आपके में ऐसा प्रॉब्लम हो तो। ठीक है।